हैं आपको इस प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान मुबारक में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो कला हमने कलाम सुना जनाब शाहीन सुल्तानी साहब से, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा असद आलम नकवी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से, हम उनको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी की जानिब से, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि इस्तकबाल रमज़ान के इस खसूसी प्रोग्राम में आप इस्लामाबाद पाकिस्तान से शिरकत फरमा रहे हैं। अल्लामा साहब सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप ज़रा ये बताइए कि रोज़ा के मुख्तसर तरीन तारीफ जो है वो क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। रोज़े की जो तारीफ, तो अगर हम उसको लफ्जी मानों में अगर एक करते हैं जी तो वो जो कुछ चीज़ें जो परवरदिगार आलम ने हम पे, खुद बात चीज़ें जो कि हलाल हैं और रोज़े की हालत में हम पे हराम हो जाती हैं, जी जी और इस किस्म के कुछ अहकाम जो हम पे, ख़ास अहकाम हम पर जारी होते हैं कि जिससे हमें इज्तनाब करना पड़ता है, तो उसको हम रोज़ा कहते हैं फ़िक़ी इस्तलाह में। कि मैं जुमला आम दिनों में खाना पीना जायज़ होता है, या मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो कि रोज़े की हालत में जायज़ होते हैं, लेकिन माह रमज़ान में मुबारक में रोज़े की हालत में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पर वक्ती तौर पर हराम हो जाती हैं। और बल्कि ये कि जो कोई इसको करे भी अगर जानकर, तो उस पर एक कफ़ारा भी लागू होता है। तो ये तो एक उसकी एक ज़ाहरी और एक फ़िक़ी तारीफ़ है, जी लेकिन खुद परवरदिगार आलम ने जो उसका जो असल जो बुनियाद उसका मफहूम रखा है, वो इस तरीके से परवरदिगार आलम ने उसका मफहूम रखा है कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अला लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, के हमने तुम पर रोज़ा वाजिब किया है, तुम पर लिखा गया है, जैसा कि तुमसे पहले जितनी अकवाम आई हैं उन सब पर ये रोज़ा जो है वो लाजिम रखा, लाजिम किया गया था। बिल्कुल और लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी बेसिकली जो इसका हदफ और मकसद और फलसफा रोज़ा है वो ये है कि इंसान को मुत्तकी और बनाया जाए और तकवा की तरफ लेके जाया जाए। जी तो असल चीज़ है कि वो हमारी तरबियत हो रही है इसमें, जी और हमें क़ुर्ब इलाही हासिल हो रही है, और हम खुदाबंद आलम के नज़दीक जा रहे हैं, बिलखसूस इस माह मुबारक रमज़ान में। जी तो ये उसकी एक पस पर्दा एक तारीफ, जी और जो उसका फलसफा रोज़ा है वो ये कि जी हमारी तकवा इख्तियार करेंगे, और जी ज़ाहिर तारीफ ये कि जो बात चीज़ें जो अहकाम इलाही हैं जो कि आम दिनों में हलाल होती हैं वो रोज़े की हालत में हम पे हराम हो जाती हैं। जी जी अलावा साहब ये कहा ही जाता है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इस एतबार से इसके मायने या मायनवी कैफियत क्या है इसकी। देखें, ये जो बात कही जाती है जिसमें कि बाद रिवायात भी हमें इस चीज़ की तरफ मिलती हैं कि जो ये बात जहाँ पे ये बयान होता है कि रोज़े में शैतान को बंद कर दिया जाता है, कैद में कर दिया जाता है, और रहमत के दरवाजे जो हैं खुदावंद आलम के खोल दिए जाते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि परवरदिगार आलम ने हर चीज़ का बहाने बहाने से सवाब रखा है, अजर क्या रखा हुआ कहने है क्या कहने कि इंसान सुभान अगर अल्लाह रोज़े की हालत में सोता भी है तो उसका भी अजर मिल रहा है। बेशक बेशक रोज़े की हालत में एक आयत पढ़ेगा तो उसका पता नहीं कितना गुना उसका सवाब है, दो रकत नमाज पढ़ेगा तो उसका आम दिनों में कितनी रकत नमाज पढ़ने के बराबर उसका अजर है। जी तो परवरदिगार आलम ने जिस तरह से रहमतों का दरवाज़ा बेहिसाब, यानी जिसकी कोई गिनती नहीं होती, कोई हिसाब किताब नहीं होता, उस तरह से खुला हुआ होता है, इसी तरह से शैतान के हाथ पांव भी बांध दिए जाते हैं बिल्कुल कि शैतान जो आम दिनों में जितनी आज़ादी से लोगों को बहकाता है और जितने आराम से वो लोगों को वरगला सकता है, खुदा के खिलाफ जी काम ले सकता है, लेकिन इन दिनों में शैतान जो है वो ये सब काम नहीं कर सकता। माँ सिवा ये कि अब आपके घर में हो सकता है ये सवाल है कि आप कहेंगे जनाब बहुत सारे लोग हैं लेकिन रमज़ान में भी बहुत से ऐसे गुनाह अंजाम देते हैं कि जो कि मनाफी हैं दीन के, जो कि परवरदिगार आलम के खिलाफ जा रहे होते हैं, परवरदिगार के नापसंदीदा अमाल अंजाम दे रहे होते हैं, तो उसका सबब ये होता है कि खुद इंसान गुनाह में इतना ज्यादा आगे जा चुका होता है तो वो खुद शैतानों वाले काम कर रहा होता है, बिल्कुल वहाँ शैतान से आगे वो खुद बढ़ चुका होता है। जी तो वो चीज़ें हमें नजर आ रही होती हैं कि जो शख्स शैतान के सोच से आगे निकल चुका हो, शैतान के उससे आगे जा चुका हो, यानी इतना शैतान को अपने सवार कर लिया हो, जी तो वो तो फिर खुद शैतान बन चुका है। बिल्कुल लेकिन जो असल शैतान है वो उस आज़ादी के साथ कि जैसे कि माह मुबारक से पहले वो इंसान को बहका सकता था, इस जी माह मुबारक में जी इंसान पर हमला आवर नहीं हो सकता है। जी अल्लाम साहब इसमें रमज़ान जो है 3 अशरों पर मुश्तमिल है, तो इसकी तकसीम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से फरमाई है।
इसके जो तीन अशरे हैं जी वो तीन अशरे जो हैं वो इसमें तकसीम बदी फौरी तौर पे तो मेरे इस पर रहे में नहीं कि पहला अशरा जो है वो परवरदिगार के लिए है, दूसरा अशरा जो है वो किस तरह तकवा के लिए है, मगफिरत के लिए है, रहमत मगफिरत के लिए है, जी और तीसरा जो है वो बख्शिश का जो है वो इंसान की आखिरी जो है निजात के लिए, जिसमें कि हम शबाए कदर वगैरह भी होती हैं। जी तो बेसिकली उसकी तकसीम बंदी हमें बाज़ रिवायत में मिलती है, अगर चाहे वो रिवायत बहुत ज़्यादा शायद मोतबर ना हो लेकिन उनको नकल किया जाता है। लेकिन ये पूरा महीना हम उसको अगर इस तरह से डिवाइड ना भी करें तो पूरे महीने में ये तमाम चीज़ें, मगफिरत हो, रहमत हो, जो सवाब का जो हिसाब किताब है जी वहाँ पे हमें कहीं कैदोबंद नजर नहीं आती, चाहे वो पहली शब माह मुबारक रमजान से जो शुरू होता है वो सिलसिला जी नेमतों का, बरकतों का, वो आखिर माह रमजान तक चलता है, जी और हत्ता ईद की रात भी, यानी वो माह मुबारक रमजान की जो बरकतें हैं जी वो ईद का चांद के बाद भी खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि जिसके गुना अगर शबाए कद्र में माफ नहीं हुए वो शबे ईद को बैठ के अपने गुना जो है माफ करवा सकता है, क्या यानी क्या उस रात तक की इतनी फजीलत जो है वो बयान की गई है। जी माशाल्लाह। अल्लामा साहब, जो मोमिन रोज़ेदार के जो इफ्तार जो कोई कराए तो उसकी फजीलत, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखें सबसे बड़ी बात ये कि खुद इत्आम मोमिन जो है वो बहुत अजर व सवाब रखा गया है आम दिनों में भी, जी हाँ और अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए तो उसका, मैंने जैसे कि अभी शुरू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि परवरदिगार यहाँ पे जो चीज नवाज रहा है उसका कोई दर्जा और हिसाब नहीं है, यानी जी इस ये कहते ना कि या सुबह बगैर हिसाब, यानी परवरदिगार जो है बगैर हिसाब, यानी उसकी गिनती मुमकिन नहीं है। अगर उसका हिसाब और अजर अगर हम दुनिया में हिसाब करने बैठे क्या तो क्या उस चीज की गिनती इस तरह से मुमकिन नहीं है कि उसमें कितना हमें अजर मिलेगा, कितना हमें सवाब मिलेगा और क्या उसके मिलेगा। बहरहाल जो है चीज़ है वो ये कि परवरदिगार आलम ने इस महीने में जी जो अजर व सवाब रखा है वो जैसे कि और चीज़ों में, कई इंसान अगर सदका देता है तो उसका कई गुना उसको सदके का उसका अजर मिलता है, इसी तरह से इताम मोमिन जी और बिलखसूस अगर कोई शख्स जो कि रोजेदार हो, रोजेदार को जो है अगर आप इफ्तार करा दें जी तो उस इफ्तार का जो हिसाब है, जो लोग कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर नहीं है, आप में इतनी तवान नहीं है, जो महाराजीन कहते हैं उलमा कराम जो कौम नजफ में फरमाते हैं कि कुछ तुम्हारे पास नहीं है तो कम से कम पानी लेके खड़े हो जाओ, पानी से लोगों का, सादे पानी से लोगों का इफ्तार करा दो, जी जी और उसका भी बहुत बड़ा अजर है, यानी ना फकत करने वाले कराने वाले को इसका सवाब मिल रहा है बल्कि जो शख्स अगर किसी मोमिन की कहने पर इजाबत करता है और उसको जो है वो जवाब देता है और उसके कहने पर कोई चीज़ पी लेता है पानी, और या कोई इसके कहने पर इफ्तार कर लेता है, तो उसको भी बहुत बड़ा उसको अजर व सवाब मिलेगा। जी अलामा साहब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है जो कि रमज़ान से पहले आप देते थे उसमें शाबान के महीने में, जिसको खुतबा शाबानिया कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए अभी खुतबे शाबानिया मेरे पास इस वक्त रहम नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, तमाम दुआएं जी और मिन जुमले खुतबे शाबानिया में और तमाम दुआएं जो कि माह रमजान में आप लोग पढ़ते हैं जी मुख्तलिफ मौके पर, जो शुरू के अशरे में है, रोजाना की दुआएं हैं, दुआ इफ्तिताह है, और इस तरह से जैसे आज जो पहली शब है माह रमजान की पाकिस्तान के हिसाब से, तो पाकिस्तान में आज पहली शब है, तो खुद जोशन कबीर या तमाम इस किस्म की जो दुआएं हैं उन तमाम चीज़ों में एक चीज़ जो कि जो है जो चीज़ उसमें जो है वो कॉमन रखी गई है जी वो ये कि यहाँ पर परवरदिगार आलम से तलब मगफरत, यानी जो चीज़ें आप इससे पहले हासिल नहीं कर सकें, बिल्कुल जो आपने मगफरत और निजात और वो जो बख्शिश रखी हुई थी इन जी तीनों अशों को जो आपने डिवाइड किया हुआ है, जी वो तमाम चीज़ें इसमें कॉमन आपको नजर आएंगी मेन जुमला। और एक और जो बहुत एक अहम चीज़ है जो कि माह रमजान की दुआओं में नजर आती है, जैसे कि हम रोजाना की नमाजों के बाद भी जो दुआएं पढ़ते हैं उसमें भी जो है वो बिलखुसूस हज के हमें जो है हज की ज्यारत जो है वो नसीब हो, जी ये दो तीन ऐसी कॉमन चीज़ें हैं कि उसकी क्या फजीलत है वो एक अलग बहस है कि हज का क्या सिलसिला है, और हज के लिए माह रमजान की दुआओं में इतना ज्यादा इंफेसाइज होना, उस पर इतनी ज्यादा ताकीद होना, जी उसकी क्या वजह है, एक अलग गुफ्तगू हो जाएगी। जी लेकिन ये तमाम चीज़ें इसमें बिलखुसूस निजात मगफिरत वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कि परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी गई है, अपनी कोताहियों से माफ़ी मांगी गई है, और यकीनन इस महीने में खुदावंद आलम बख्शने के लिए तैयार बैठा है, तो बेशक लिहाजा बेशक आइम तहरीन की तरफ से भी जो तालीम हुई है हमें ये तमाम दुआएं और अदिये जो मौजूद हैं उन जी तमाम चीज़ों में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वाज़ तौर पर नजर आएंगी। जी
علامہ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ یہاں یو کے تشریف لائیں گے ان شاء اللہ اگلے عشرے میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوئی ہماری آپ سے بالکل گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے ہدایت ٹی وی میں آئیے گا اور اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور ہم آپ کو پیش کی مبارکباد دیتے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ جو رمضان المبارک کا جو ابتدا ہے اس کے حوالے سے، اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ان شاء اللہ میری طرف سے بھی سب کو سلام کہیے گا، ان شاء اللہ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں آپ لوگ بھی. بہت شکریہ. اور یہ تھے حضرت علامہ اسد عالم نقوی صاحب اسلام آباد پاکستان سے، اور اس پروگرام میں یہ شرکت فرما رہے تھے، اور رمضان کے مختلف جو سوالات ان سے کیے گئے ان کے جوابات انہوں نے دیے، اور یہ جو ہے سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اب میں جاؤں گا، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے آسٹریلیا سے مشہور و معروف شاعر اہل بیت جو کہ انقلابی شاعر کے شاعر ہیں جناب ظفر عباس ظفر صاحب، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ظفر بھائی. وعلیکم السلام یاری مدد، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں جو کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے آپ کلام اگر پیش کریں تو. جی بالکل پیش کر رہا ہوں، اور سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی یاری مدد اور رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بالکل آغاز کلام کر رہا ہوں. روزوں کے حوالے ہی سے یہ کلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہے سیام میں آئی بہار روزوں سے، سبحان اللہ. مہے سیام میں آئی بہار روزوں سے، ملا ہے روح و بدن کو نکھار روزوں سے، ملا ہے روح و بدن کو نکھار روزوں سے، رسول اور اماموں کا ہے یہی فرمان، رسول اور اماموں کا ہے یہی فرمان کہ راضی ہوتا ہے پروردگار روزوں سے، کہ راضی ہوتا ہے پروردگار روزوں سے، عبادتوں سے ہوا کچھ تو مطمئن یہ دل، عبادتوں سے ہوا کچھ تو مطمئن یہ دل، ملا ہے روح کو ایسا قرار روزوں سے، ملا ہے روح کو ایسا قرار روزوں سے، قریب روح کی بیماریاں نہیں آتی، قریب روح کی بیماریاں نہیں آتی، بدن کے گرد ہوا وہ حصار روزوں سے، بدن کے گرد ہوا وہ حصار روزوں سے، اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا. بدن کے داغ تو ماتم سے دھل ہی جائیں گے، بدن کے داغ تو ماتم سے دھل ہی جائیں گے، چھٹے گا روح کا گرد و غبار روزوں سے، چھٹے گا روح کا گرد و غبار روزوں سے، چمک ہے آنکھوں میں چستی بدن میں دل میں سکون، چمک ہے آنکھوں میں چستی بدن میں دل میں سکون، سجا ہوا ہے بدن کا دیار روزوں سے، سجا ہوا ہے بدن کا دیار روزوں سے، بغیر روزہ
نہ مجلس ہے اور نہ جشن ظفر، بغیر روزہ نہ مجلس ہے اور نہ جشن ظفر، عمل کا ہوتا ہے دار و مدار، بغیر روزہ نہ مجلس ہے اور نہ جشن ظفر، عمل کا ہوتا ہے دار و مدار روزوں سے. سبحان اللہ سبحان. اور میں یہاں پہ جناب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور میں چاہوں ظفر بھائی ایک کلام اور. مجھے اس بات کا بالکل اندازہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے رات کا وہاں پہ تقریباً 4:30 بج رہے ہیں وہاں پہ، اور اس رات کے اس پہر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام استقبال رمضان میں موجود ہیں، اور اس وقت ہم ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم آپ سے ایک کلام اور سنیں گے لازمی طور پہ.